भी मेरा जहाज है बहुत ज्यादा गंदा हो गया। JBBN मतलब जय बाबा बालकनाथ। सभी को मेरी राम राम, जय माता दी। मैं शुद्ध देसी आर से संजीव सिंह कौशल। मैं काफ़ी टाइम से ये ब्लॉग बनाना चाह रहा था, मतलब बताना चाह रहा था आपको कि जैसे कि आपको पता है नवरात्रे लगे हुए हैं, नवरात्रे चल रहे हैं, तो मतलब मैं खुश नश किस्मत हूँ कि तीन में जो हम चार दोस्त हैं उनमें से मैं मेरा ब्लॉग सबसे पहले आने वाला है, जो कि एक मतलब धार्मिक ब्लॉग होगा, आप कह सकते हैं शुद्ध जैसे नाम है हमारा। मैं आपको ज्वालाजी की यात्रा पर लेके जा रहा हूँ, जो कि मेरे होम टाउन में, जैसे कि जगदीश ने बताया है कि मेरा होम टाउन हिमाचल है, तो हिमाचल में ज्वालाजी एक शक्तिपीठ है, सबको पता होगा, तो वहाँ पर ही मैं आपको लेके जा रहा हूँ। बारह बज चुके हैं अभी, 350 किलोमीटर 320 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। दिल्ली से चले हुए हमें काफ़ी टाइम हो गया है, 4 बजे चले हैं दिल्ली से। ISBT पहुँचते बहुत ज़्यादा भीड़ लगी, जाम बहुत ज़्यादा जाम था, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लेट हो गए। चलिए अभी चाय पीता हूँ, घर चलते हैं। हर बॉर्डर पे ही टोल मिलेगा, हिमाचल के अंदर कहीं टोल नहीं मिलेगा। 40 रुपये टोल है महतपुर जगह का नाम है, हिमाचल संस्कृति को रिप्रेजेंट करता हुआ। मैं शुद्ध देसी आर से संजीव सिंह कौशल आपको लेके चलता हूँ ज्वाला जी माता के दरबार। जैसे कि आपको पता ही नवरात्रे लगे हुए हैं, नवरात्रे चल रहे हैं, तो उसी के पावन अवसर पर आपको मैं पावन यात्रा पर लेके चलता हूँ। ऑलमोस्ट 8 बजे हैं यार, हमारा 5 बजे निकलने का था, लेकिन निकलते निकलते आपको पता ही थोड़ा टाइम महामाई का रास्ता। ये वैसे शॉर्टकट रास्ता कह सकते हैं, जो मेन रास्ता है वो कहीं और से, वो मैं आपको थोड़ा मतलब वीडियो के एंड में दिखा दूंगा, या फिर हो सकता है उसे एडिट करके पहले डाल दें। एक्चुअली क्या है, आपको पता ही है भीड़ होगी तो, और हम लोकल है तो इतना तो फ़ायदा उठाना चाहिए है ना, तो भीड़ तो होनी है, स्वाभाविक बात है, आज नवरात्र लग रहे हैं, तो इसलिए हम आज शॉर्टकट निकलते हैं यहाँ से। और आते वक्त आपको मेन रास्ता जो ज्वाला जी बस स्टैंड दिखाएंगे, और जो वो है मेन रास्ता है वो भी आपको दिखाएंगे। तो बस अभी चलते हैं भवन में, देखते हैं कितना जाम है, कितना भीड़ है। जय माता दी। ज्वाला जी बस अड्डा, आप कहीं से भी आएंगे, ट्रेन से, बस से, इनफैक्ट जहाज से भी आएंगे, एयरप्लेन से भी आएंगे, तभी आपको यहीं ही आना पड़ेगा माता रानी के दर्शन के लिए। और बिल्कुल इसी के सामने, मैं दिखाऊं आपको, बिल्कुल इसी के सामने, बस अड्डे के बिल्कुल सामने माता रानी का प्रवेश द्वार है, माता रानी का भवन है। यहाँ से कम 1.5 किलोमीटर अंदर दुकानें वुकानें भी हैं, जहाँ पर आप प्रसाद वगैरह ले सकते हैं, सब कुछ वहाँ पर माता रानी का दरबार है। चलिए हम चलते हैं आगे। सुबह के 9 बजे माता रानी का दरबार है, फोटोग्राफी अलाउड नहीं है अंदर। बच्चों के मुंडे नहीं होते हैं, शायद बच्चों का मुंडन नहीं हुआ है, उन बच्चे का मुंडन हुआ है। यहाँ पर ये मुंडन हाउस है, यहाँ मुंडन होता है, लिखा हुआ है सेल्फ पर पा रहे थे, यहाँ इस कक्ष में मुंडन ही होता है।
यहाँ पर है वो लहर जो अकबर लेके आए थे माता रानी की जोत बुझाने प्राचीन घंटा अंदर है माता रानी जोत शुरू है होंगे बहुत पास आ गए। ये रहा वहाँ का प्रवेश द्वार माता रानी का। यहाँ पर ही माता रानी अपने ज्वाला स्वरूप में विराजमान है। यहाँ पर अंदर वैसे फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, मैं फिर भी कोशिश करूँगा कुछ हो सके तो। यहाँ पर हवन होता है, ये हवन का है, ये माता रानी की शेर है, शायद आप देख पा रहे हो, मैं दिखाऊँगा आपको पास से भी। जयकार लगा दो, जयकारा शेर वालिदा बहुत बार की जय। अपने बेटा का कीर्ति सम्मान घर में माता रानी का छात्र, इसके नीचे माता रानी निवास करती है। जय माता दी। माता रानी का शयन कक्ष है। माता रानी माँ ज्वाला यहाँ पर विश्राम करती है। ये हवन कुंड है, यहाँ पर माता रानी का हवन हो रहा है और ये कुंड हमेशा प्रज्वलित ही रहता है। देखिए आप भी लीजिए दर्शन। जय माता शयन कक्ष। यहाँ पर रात को माता आराम करती है। ऊपर तारा रानी का मंदिर है। तो ये पहले ये हुआ करता था इसका प्रवेश द्वार, जो कि आगे वहाँ कर दिया है। चलो हम चलते हैं माता रानी के शयन कक्ष। शरदा